Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Indian Constitution mock test part 4 and we are going to cover next 25 questions on Indian Constitution from question number 76 to question number 100. These questions are important for all those candidates who are preparing for competitive examinations as well as for entrance examinations. Let's begin with our first question. Our first question is question number 76 or question hai hamara. The president can make laws through ordinances. जो president है वो ordinance के through law बना सकते हैं. आगे चार option दिए हैं. पहला option कह रहा है कि only on subjects contained in the concurrent list. दूसरा option under no circumstances. तीसरा option on certain subjects even when parliament is in session. और चौथा option during the recess of the parliament. इस question का सही answer है The president can make laws through ordinances during the recess of the parliament. ठीक है. Article 123 of constitution में president के पास ये एक right president को मिला हुआ है. राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि parliament के recess के समय वो ordinance के through law बना सकते हैं. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला question question number 77 और question है हमारा Which of the following qualification is not essential for a person to become the vice president? सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सा qualification अनिवार्य नहीं है vice president बनने अगर वो जा रहा है तो ठीक है पहला option he must be an Indian दूसरा option he must be qualified to be a member of the Rajya Sabha तीसरा he must not be less than 35 years और चौथा he must be a graduate इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट ठीक है ही मस्ट बी ग्रेजुएशन इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में काउंट ही नहीं होता ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार की इमरजेंसीज को भारत के संविधान द्वारा विजुअलाइज किया गया बताया गया पहला ऑप्शन 4 दूसरा ऑप्शन 3 तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 3 थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें पहला है नेशनल इमरजेंसी दूसरा है स्टेट इमरजेंसी तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो तीन तरीके की इमरजेंसी होती है जो भारतीय संविधान द्वारा बताई गई ऑप्शन बी 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन है हमारा द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड सवाल ये पूछा जा रहा है कि उप राष्ट्रपति के ऊपर अगर दोषारोपण का अगर कार्यवाही की जाती है मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर इम्प्रीचमेंट की प्रोसीडिंग की जाती है तो कौन इसको इनिशिएट करता है ठीक है पहला ऑप्शन ओनली इन लोकसभा इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा दूसरा ऑप्शन इन नाइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तीसरा ऑप्शन इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और चौथा है ओनली इन राज्यसभा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ओनली इन राज्यसभा द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा ठीक है ऊपर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर दोषारोपण होता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी ना कार्यवाही होगी वो सिर्फ राज्यसभा में होगी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है हमारा Who appoints the governor of Jammu and Kashmir? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट कर सकता है किसके पास ये अथॉरिटी होती है पहला ऑप्शन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर तीसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चौथा ऑप्शन प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ऑफिस से बाहर निकाल सकता है बाहर निकालने का मतलब राष्ट्रपति पद से हटा सकता है पहला ऑप्शन पार्लियामेंट दूसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन लोकसभा इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द
पार्लियामेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. राष्ट्रपति को पार्लियामेंट ही हटा सकता है और कोई हटा नहीं सकता. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, और क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल सेंट टू हिम फॉर हिज असेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन पासेस द बिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म देन द प्रेसिडेंट. सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट द्वारा भेजा जाता है राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए, उनके मंजूरी के लिए, और अगर राष्ट्रपति उसे वापस पार्लियामेंट भेज देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर से अगर पार्लियामेंट उसे पास कर देता है उसके एज इट ओरिजिनल फॉर्म में, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे. ठीक है, पहला ऑप्शन, कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल, वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जानेंगे उस बिल के ऊपर. दूसरा ऑप्शन, गिव्स एसेंट टू द बिल. तीसरा ऑप्शन, कैन वंस अगेन रिटर्न द बिल फॉर फर्दर रिकंसिडरेशन. और चौथा, कैन आस्क फॉर अ रेफरेंडम ऑन द बिल. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल सेंट टू हिम फॉर हिज असेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन पासेस द बिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म देन द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू द बिल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मिनिस्टर लॉसेस अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. अगर कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को लूज कर देता है तब क्या होगा. देन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड. दूसरा ऑप्शन, ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड दैट मिनिस्टर रिजाइन्स. तीसरा ऑप्शन, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन्स. और चौथा, द मिनिस्टर रिजाइन्स, वही मिनिस्टर रिजाइन कर देगा. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन. इफ अ मिनिस्टर लूजेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर देंगे. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, और क्वेश्चन है हमारा, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू द. सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एक बार उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था तो वो कब किया था. ठीक है, यही सवाल पूछा जा रहा है, बस एक बार किया है तो वो किस इंसिडेंट में किया था. पहला ऑप्शन, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के समय किया था. दूसरा ऑप्शन, डोरी प्रोहिबिशन बिल पे किया था. तीसरा ऑप्शन, हिंदू कोड बिल पे किया था. और चौथा ऑप्शन, पिप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पे किया था. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन है हमारा, द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर वेस्ट विद द. ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के इलेक्टोरल रोल्स का जो प्रिपरेशन का कंट्रोल है वो किसके पास होता है. पहला ऑप्शन, प्रेसिडेंट. दूसरा ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन. तीसरा ऑप्शन, कैबिनेट. चौथा ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन. द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर वेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंटेन्ड इन द 10th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के 10वें स्केड्यूल में इनमें से कौन सी चीज आती है. पहला ऑप्शन, languages recognized by constitution. Dusra option, forms of oath or affirmation. Teesra option, laws that cannot be challenged in any court of law. Aur chautha, provision regarding disqualification on the grounds of defection. Is question ka sahi answer hai option D. Theek hai, provision regarding the disqualification on the grounds of defection is contained in the 10th schedule of the Indian Constitution. Option D is the correct answer for the given question.
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 और क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय, भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो पहचान दी जाती है वो कौन पहचान देता है? पहला ऑप्शन इलेक्शन कमीशन, दूसरा ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, चौथा ऑप्शन लॉ कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन। इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9090 और क्वेश्चन है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ अ मेंबर्स ऑफ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है ना, जब वो इलेक्ट होते हैं तो उनको एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स आते हैं, किसके मेंबर्स आते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, दूसरा ऑप्शन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन लोकसभा, चौथा ऑप्शन राज्यसभा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इनमें से किसका इलेक्शन नहीं कराता है। ठीक है, पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, तीसरा ऑप्शन राज्यसभा, चौथा ऑप्शन लोकल बॉडीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज। सवाल ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को लड़ने के लिए जो अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो कितनी तय की गई है, एक हिसाब से कितनी, क्या मैक्सिमम एज बताई गई है? पहला ऑप्शन नो सच लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, दूसरा ऑप्शन 62 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 58 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 60 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नो सच लिमिट, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है हमारा, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन है हमारा, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर्स इज यूज्ड। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए इनमें से कौन सा चुनाव का तरीका अपनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी वोटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू लिस्ट सिस्टम, चौथा ऑप्शन है कलेक्टिव वोटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिस्टम, ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तरीका अपनाया जाता है राष्ट्रपति को चुनने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, किस साल भारत देश में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे? पहला ऑप्शन 1950-51, दूसरा ऑप्शन 1948-49, तीसरा ऑप्शन 1951-52, चौथा ऑप्शन 1947-48। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द ईयर 1951-52, ऑप्शन सी 1951-52 इज द ईयर when first general election held in India, option C is the correct answer for the given question. Hamara agla question question number 96 question hai hamara, election to the house of the people and the legislative assemblies of states in India are conducted on the basis of, pehla option single transferable vote, dusra option proportional representation, teesra option limited suffrage, chautha option adult franchise. To is question ka sahi answer hai ऑप्शन डी अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो आप बिल्कुल आप जाकर के वोट दे सकते हैं। सवाल ये पूछा था कि इलेक्शन टू द हाउसेस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर कंडक्टेड, तो भारत में जो हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो इलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, तो इट इज ऑप्शन डी अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है?
पहला ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98, और क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, दूसरा ऑप्शन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और चौथा ऑप्शन डिस्क्वालीफाइंग द ऑफेंडर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन है हमारा रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय। ठीक है, पहला ऑप्शन द इलेक्शन कमीशन, दूसरा ऑप्शन अ कमिटी ऑफ व्हिप्स, तीसरा ऑप्शन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, और चौथा ऑप्शन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द केस ऑफ नेशनल पार्टीज एंड द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द केस ऑफ रीजनल पार्टीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द इलेक्शन कमीशन। रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमीशन। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। ऑप्शन ए द इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100, और क्वेश्चन है हमारा द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास अधिकार किस सिचुएशन में नहीं होता, मतलब अधिकार नहीं होता, दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोट करने का अधिकार उनके पास किस सिचुएशन में नहीं होता? ठीक है, पहला ऑप्शन ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दूसरा ऑप्शन ही इज अ केयर टेकर ऑफ चीफ मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन ही हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट, और चौथा ही इज येट टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस के मेंबर हैं तो उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस और कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चंस जो हमने अब तक कवर कर लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।